फाइनली जिस चीज़ के लिए ना मैं यहाँ पर आया था वो ट्रेन आ गई है मेरे पीछे, आपको दिख ही नहीं होगी वो देखो, और ट्रेन भी ना पूरी बर्फ़ से ना ऐसे ढकी हुई है भाई, बहुत मज़ा आएगा भाई, बहुत मज़ा आएगा, मैं बहुत ज़्यादा वाला एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने के लिए। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और देखो आज इस टाइम पे ना मैं खड़ा हुआ हूँ श्रीनगर के स्टेशन पे, और यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का नजारा है। ओ भाई देख रहे हो, ऐसे लग रहा है कि जैसे ना यहाँ पे कॉटन रखी हुई है किसी ने। ओए होए 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 होए। और आज हम ना करने वाले हैं श्रीनगर से बनिहाल तक की ट्रेन जर्नी, और उसके अंदर ना हम आपको ट्रेन के बारे में और साथ के साथ रस्ते और नजारों के बारे में ना थोड़ी बहुत अपनी तरफ से इन्फॉर्मेशन देंगे और साथ के साथ इंजॉय करेंगे। ओए होए भगवान कॉटन फेंक रहा है इस टाइम पे ऊपर से, और ठंड बहुत खतरनाक वाली लग रही है, बट ना यार मजा बहुत आ रहा है। और देखो यहाँ पे ना कुछ इस तरीके का नजारा है, नया भारत हमारा। और बहुत ही जल्दी ना, पता है वैसे दिल्ली से भी ट्रेन डायरेक्ट यहाँ तक आने वाली है, शुरू होने वाली है, बट जब भी होगी ना हम शायद तब फिर से आएंगे। और ये देखो ये श्रीनगर का स्टेशन है, चारों तरफ बहुत मोटी मोटी परत है बर्फ की, और आज ना सारा दिन स्नोफॉल होनी है, और स्नो भी ना भैया बहुत तेज हो रही है। गाइस आप चेक कर रहे हो, तो आज बहुत मजा आएगा ट्रेन जर्नी करते वक्त जब हम ना ट्रेन में होंगे और स्नोफॉल हो रही होगी। ओए होए मुंह में आ रही है। तो ये हमारे सामने ना टिकट काउंटर है, और मैंने टिकट ले ली है 45 रुपए की यहाँ से बनिहाल तक की, ठीक है। तो ट्रेन पे हम बनिहाल तक जाएंगे फुल नज़ारे लेते हुए, और अंदर जब आप एंटर करोगे ना तो आपके सबके ना बैग्स वगैरह इस एक्सरे मशीन के चेक होते हुए ही इधर आएंगे, और अंदर आते ही आपको सबसे पहले आपके ना लेफ्ट में ये खाने की दुकान मिल जाएगी। तो यार यहाँ से ना अभी कुछ खा लेते हैं क्योंकि भैया ठंड बहुत लग रही है, बट उससे पहले एक बार ना जरा यहाँ का भी आप नज़ारा चेक कर लो, फिर हम खाते हैं। खाना पीना चलता रहेगा, खाने पीने की बात की है, वीडियो बनानी और इन्फॉर्मेशन देनी ना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे ना टाइम हो रहा है 10:26, और मेरे ख्याल से ना 10:40 के आसपास अभी ना मेरी ट्रेन आनी है, ट्रेन थोड़ी सी ना लेट चल रही है, तो मज़ा आएगा। ये देख रहे हो भाई साहब ट्रैक चेक कर रहे हो, ट्रैक ओए होए ओए होए जबरदस्त है जी, खतरनाक वाला खतरनाक जबरदस्त। यहाँ पे ना मैंने अपने लिए दो कुकीज ली हैं और दो समोसे ले लिए, बाकी ये चीजें भी हैं, और चाय ले ली है, बिस्कुट भी ले ली है, ये सारा सामान अपने को 100 रुपए का मिला है। बाकी ना ये यहाँ के स्पेशल कुकीज हैं, तो ये देखो यार ये वाले हैं। और ये गरम गरम चाय की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यार, आप समझ ही सकते हो ना आसपास का माहौल देख के, तो इसलिए मैंने ना यार स्टेशन से ना ये चाय ले ली, कुछ बिस्कुट ले लिए, कुछ समोसा ले लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर सी लग रही थी, तो मैंने कहा यार ये खाते हैं और साथ में ना नज़ारे इन्जॉय करते हैं, बट पहले चाय पी लो नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। बाकी का सामान तो आराम से खाता रहूँगा रस्ते के अंदर, बट पहले इसको ना ख़त्म करें जरा। जब भी आप यहाँ पर आओ ना आप इन सब चीज़ों को ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। ये देखो यार ये थी यहाँ की ना कुकीज़, और ये यहाँ की ना स्पेशल है यहाँ की बेकरीज की, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, ऐसे मैंने पहले कभी नहीं खाई थी, मेरे को बहुत सही लगी यार ये ना। ये दोनों फटाफट ना मेरे पास भागे भागे आ गए मेरे हाथ में ये चीज देख के, इनको भी तो भूख लगती है, पर ये दोनों है देखो कितने तगड़े शेर जैसे हैं भाई साहब, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरे हाथ ही ना छीन के खा जाएगा। ओए और ये शरीफ है, ये देखो ये ले खा ले, आ जा खा ले। ये देखो मैंने ना ये वाले जो बर्ड्स है ना ये भी मेरे से ना ये सब चीज़ें मांग रहे हैं, बिस्कुट ये ले बेटा आ जा खा ले, मैं पीछे हट गया, आ जा उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, देखा ये देखो ये वो देखो, ओए लड़ाई नहीं करनी है, ये लो और लो और लो खाओ जितना ना जो है हमारे पास हम मिल बांट कर खाएंगे। और देखो मैं पीछे हो जाता हूँ, ये डॉग्स खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इस चक्कर से ना आ नहीं रहे, इनको मैंने खिला दिया है, अब देखो ये बर्ड्स आ गई
मेरे दूर जाते ही चेक कर रहे हो। ये हमारा मिशन कामयाब हुआ। बेसिकली इसी को मैं डाल रहा था क्योंकि ये मैं इसको देख रहा था बहुत देर से ना, डर रहा है। ट्रेन पे ना स्लोली स्लोली करके रश बढ़ता जा रहा है, काफ़ी लोग आ चुके हैं और ना ट्रेन अभी थोड़ा सा लेट हो गई है, आई नहीं है, आने वाली है, टाइम हुआ हुआ है, सब लोग उसी की वेट कर रहे हैं और सबने ऑलमोस्ट बनिहाल वाली साइड पे या उसी साइड पे ना, रास्ते में दो तीन स्टेशन आते हैं वहाँ तक जाना है। फाइनली जिस चीज़ के लिए ना मैं यहाँ पर आया था वो ट्रेन आ गई है। मेरे पीछे आपको दिखी नहीं होगी वगैरह तो, और ट्रेन भी ना पूरी बर्फ़ से ना ऐसे ढकी हुई है। भाई बहुत मज़ा आएगा। मैं बहुत ज़्यादा वाला एक्साइटेड हूँ इस ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने के लिए, श्रीनगर से बनिहाल तक बहुत मज़ा आएगा। ये देखो यार जरा, ओए मेरी जान। और ये जो ट्रेन है ना, ये बिल्कुल ट्रेन है, बाकी ट्रेनों से थोड़ी हटके ट्रेन है। और शायद ये वाला जो कोच है, ये शायद लेडीज कोच है क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ मैडम ही गई है और कोई गया नहीं है, बाकी सब लोग इसके अंदर और इनके अंदर जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं बनिहाल, बड़गाम और बारामूला। तो अरे इसमें भी वुमेन ओनली लिखा हुआ है, बट यहाँ पे लड़के चले गए हैं तो मैं तो इसी के अंदर बैठने लगा हूँ, ठीक है ना। और ये ट्रेन है, ये देखो कुछ इस टाइप की सीट्स हैं, विंडो सारी बंद है, अंदर का माहौल पूरा गर्म गर्म है, शायद हीटर चल रहा है। हाँ हीटर चल रहा है भाई, हीटर चल रहा है। और क्या ही माहौल है, मस्त वाला, पूरी भरी हुई है ट्रेन, बट इसके अंदर अपने को ना ट्रैवल करने का ना यार बहुत मज़ा आएगा। ओए ओए ये देखो यार, यहाँ से हम ऐसे करके ना विंडो से बाहर आके इंजॉय करेंगे। आए नहीं और सिग्नल आ गया है, इंजन ने सिग्नल दे दिया है, सायरन बज गया है और यहाँ पे हमारी ट्रेन निकल पड़ी है। और ये देखो यार पूरा स्टेशन खाली हो गया, सब लोग इसी ट्रेन की वेट कर रहे थे, सब इसी में आके बैठ गए हैं। और ये देखो, और ये डॉगी डुगी है, और ये रहा देखो श्रीनगर का स्टेशन, और यहाँ से हमें ना कुछ ऐसा माहौल मिलने वाला है। ओए होए 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 यार, जबरदस्त वाला बोर्ड देख लो यार। ओए होए इसको मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूँ ना यार अपने लिए, कि मैंने श्रीनगर से ट्रैवल किया था ट्रेन के ऊपर और कुछ ऐसे नज़ारे इंजॉय करने के लिए आया था यार मैं यहाँ पे। ओ यस, बाकी अंदर का माहौल है, सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, मज़े ले रहे हैं। और अंदर ना काफ़ी गर्मी गर्मी सी है क्योंकि यहाँ पे ना हीटर वीटर चल रहा है, इन्होंने सही टेम्परेचर मेंटेन करके ना रखा हुआ है। और यहाँ से ना हम दूसरी साइड पर आ गए हैं, ठीक है, और उसके बाद और आगे चलते हैं। ये देखो ये हमारा दूसरा डब्बा आ गया, तो अभी स्टेशन आया है पामपुर और हम लोग यहाँ पे रुके थे, बाकी एक वो ट्रेन जा रही है वो भी यहाँ पे रुकी हुई थी। और भाई साहब खतरनाक नज़ारे यार, खतरनाक नज़ारे। मज़ा आ रहा है ना यार आपको हमारी वीडियो में कि नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी बता दो यार। ऐसा वाला कश्मीर तो यार मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं कश्मीर पहले भी कई बार आया हूँ बट यार सच्ची स्नो के टाइम पे ना, विंटर में ना कभी नहीं आया। और यार ये तो चेक करो यार, मतलब बहुत ही खतरनाक यार, बहुत ही खतरनाक। नहीं मैं तो ना इन नज़ारों से ही बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। घर देखो कितने सही लग रहे हैं, सामने वाले जो घर है ना कितने ही सही लग रहे हैं ना। ओए होए 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 क्या सही घर है, इनके अंदर यार एक बार ना रहने को मिल जाए मज़ा आ जाएगा, मतलब एक रात ही, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ना बर्फ़ के अंदर रहना वैसे ना इतना आसान नहीं होता, बट स्टिल यार ऐसे किसी गाँव के अंदर आके ना एक बार ही बंदा रहे तो कितना सही आएगा। और यहाँ पे स्टेशन आ गया है अवंतीपुरा करके, है ना, दोबारा फिर कभी आएंगे, बट अभी ये नहीं पता कि कब आएंगे, बट जब भी आएंगे ना यार कश्मीर की जब भी बात होगी ना यार, तो उस टाइम पे ना यार ये सारे नज़ारे और ये सारी चीज़ों को ना मिस करेंगे। और अपने को ना यहाँ पर तीन भाई मिले हैं, कैसे हो जी, क्या हाल है, क्या नाम है अपना? ओके okay, आपका? और आपका? क्या बात है, ये लोग भी ना मेरे साथ ही बनिहाल तक ट्रैवल कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने वापस आना है। और सही है, बाकी ये देखो यार ये स्टेशन है, यहाँ पर एक बार नीचे उतरे, वैसे ना मेरे को पता है अभी ट्रेन चल पड़ेगी तो हम ज़्यादा पंगा लेंगे नहीं। और ये काफ़ी 1, 2, 3, 4, 8, 10 डब्बे हैं इसके, और बाहर से ना ट्रेन कुछ इस तरीके से दिखती है और ऊपर भी है सायरन आ गया, भागो भागो। और यहाँ पे देखो सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, जो लोग ना नॉर्मल डेली के ट्रैवलर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह, इनके लिए ना बहुत सही है क्योंकि ना रास्ते में जो ट्रैफिक है या और भी जो झंझट है ना, तो इस ट्रेन से सब निपट जाते हैं, वो इस ट्रेन से ना सब खत्म हो जाते हैं।
तो सही है, कश्मीर के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए, जैसे हमारे पास दिल्ली के अंदर मेट्रो है ना, वैसे यहाँ पर ये लोकल ट्रेन है। तो यार बहुत सही है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है तो हाय भाई, ऐसे नज़ारे कभी नहीं देखे मैंने पहले, इतने ही प्यारे प्यारे, इतने ही प्यारे प्यारे। स्टेशन आ गया, मैं स्टेशन से ना फिर बाहर निकल के आ गया हूँ। अरे मैं बाहर जाके थोड़े से नज़ारे और अच्छे से ले लेते हैं। भाई साहब चेक करो ट्रेन के नज़ारे, और यहाँ पे ना सामने, अरे 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 अरे, मैं तो आगे जा रहा था, सायरन फिर से बज गया। चलो 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 ऊपर चलते हैं। भाई ज़्यादा पंगे ले नहीं सकते हम, क्योंकि ज़्यादा पंगे लेंगे ना तो फिर यही रह जाएंगे, फिर दूसरी ट्रेन की वेट करनी पड़ेगी, फिर उससे हम वापस जाएंगे। भाई मेरे तो हाथ भी इतने ज़्यादा वाले ठंडे हो रहे हैं ना, ये जो मोबाइल मैंने पकड़ा हुआ है ना, ये भी ऐसे ऐसे करके ना कांप रहा है, मेरे को डर लग रहा है कहीं गिर ना जाए, गिर गया ना तो मेरी सारी मेहनत और मेरे कश्मीर का जो ट्रिप है ना, इसका हैप्पी बर्थडे हो जाना है। ये देखो बाकी जो लोकल लोग हैं यार, वो तो पैदल पैदल ही इन रस्तों से ना चले जाते हैं अपने अपने कामों पर, अपने अपने घरों में। बाकी इस टाइम पर मेरे ख्याल से ना कोई ज़्यादा घर से निकलता नहीं होगा, या फिर वही निकलेगा जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। और मोटा मोटा तो यार सब चीज़ें ना बंद ही होंगी, और वैसे भी ना अभी वीकेंड का टाइम ही है ना, तो इसीलिए। यहाँ से ना स्नोफॉल फिर से स्टार्ट हो गई है, बीच में ना बीच वाले एरिया के अंदर स्नोफॉल नहीं हो रही थी, बट यहाँ पे ना स्नोफॉल फिर से हो रही है। बट ये जो स्नोफॉल है ना, स्नोफॉल के साथ साथ ना रेन भी है, तो दोनों का मिक्सचर है, हल्की हल्की स्नोफॉल है, हल्की हल्की रेन है। पानी देखो यार, और यहाँ पे अनंतनाग आ गया है। एक बार चलते हैं बाहर, और बाहर चल के ना आपको दिखाते हैं नज़ारे। बाकी टाइम बताओ ना, तो टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पे 12:06, और यहाँ पे ना हल्की हल्की ना स्नोफॉल हो रही है, यहाँ पे रेन नहीं हो रही है, स्नोफॉल हो रही है। बाकी ना हम लोग रुके हुए हैं अनंतनाग, और ये देखो ऊपर पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, चेक कर रहे हो भाई साहब, खतरनाक वाली बर्फ़ ही बर्फ़। 12:09 हो रहे हैं, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। थैंक यू, बस 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 बस, थैंक यू आपका बहुत बहुत। ये देखो अनंतनाग से हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ के कुछ ऐसे नज़ारे हैं, यहाँ पर भी दबा के भाई साहब बर्फबारी हुई हुई है, मतलब पूरे ना पूरे कश्मीर के अंदर आज पूरी बर्फबारी हुई है, और मौसम बहुत ही ठंडा वाला है। बाकी यार ट्रेन जर्नी का ना यार अलग ही मज़ा आ रहा है, उस टाइम पे तो खासकर मज़ा आता है जब ना यार स्नो गिरती है, खतरनाक वाली, क्यों जी है ना जबरदस्त। आई नहीं व्हाइट कलर की स्नो और आसपास सारी स्नो, घर कितना सुंदर लग रहा है। और हम पहुंच गए हैं स्टेशन, राइट, और ये देखो यार यहाँ स्टेशन के कुछ ऐसे नज़ारे हैं, और यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं जाने के लिए, आगे आगे आगे, ओए होए। यहाँ पे ना ट्रेन रुकी हुई है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी ना नीचे उतरता हूँ एक बार और हल्के हल्के ना ये जो स्नो गिर रही है ना इसके नज़ारे ले लेते हैं। बाकी आप पूरा फटाफट दिखाता हूँ कि देखो ये हमारी ट्रेन का इंजन है, और भाई एकदम चल मत पड़ियो नहीं तो मैं यही रह जाऊंगा। और ये देखो यार ये हमारी ना ट्रेन का इंजन है, ये देखो जी, ये देखो ये है हमारी ट्रेन का इंजन। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो यार यहाँ पे ना सारे के सारे लोग उतर गए, एक्चुअली में ना जो इंजन के ड्राइवर साहब थे ना वो ही बाहर आ गए, और वो कहते कि चलो आओ मैं तुम्हारी फोटो खींच देता हूँ, उन्होंने स्पेशली मेरी भी 2-3 फोटो खींची, और बहुत सही रहा यार, बहुत सही रहा। फोटोज़ वगैरह ना मैं इंस्टाग्राम पे डालूंगा, फोटोज़ और रील्स तो आप वहाँ पे चेकआउट कर लेना। बाकी यहाँ पे ना आके भाई मज़ा आ गया, अपने को मज़ा आ गया ये अब देख के ना मज़ा आ गया यार,
स्नोफॉल के अंदर ना मैंने पहले बहुत घूमा हूँ, बट ऐसे ट्रेन पे कभी नहीं घूमा कहीं पर भी। ओए होए क्या जबरदस्त है। चेक करो यार क्या खतरनाक वाली ना आंधी आ रही है इस टाइम पे स्नोफॉल की, मतलब आंधी नहीं बोलेंगे हम इसको, तूफान बोलेंगे, स्नोफॉल का तूफान आ रहा है। देखो ओए तूफान ही तूफान है भाई, देखो खतरनाक स्नोफॉल का तूफान आ गया। चेक कर रहे हो यार आप ये देखो भाई साहब खतरनाक वाला तूफान आ गया है स्नोफॉल का। होए 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 आधे घंटे तो ऊपर लेट है। कोई बात नहीं मजे तो आ रहे हैं पूरे पूरे। ये देखो जरा ये देखो ओए वो देखो बाप रे बाप रे बाप पीछे होना। ये स्टेशन था जी, कैमरा ना बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा इन सारी चीज़ों को, बट सच्ची बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा वाली स्नोफॉल है और यहाँ पे यार क्या मज़ा आएगा भाई एक बारी के लिए ना, मतलब मैं पूरा यहाँ पे ना ऐसे हो जाऊँ करके ना गिर जाऊँ खड़ा हो जाऊँ ये वाली सारी चीज़ों में। बहुत सही है यार बहुत सही बहुत सही। सो यार यहाँ पे ना टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 1:27, अपनी ट्रेन बनिहाल स्टेशन पहुँच गई है। ये 11 बजे निकली थी श्रीनगर से और यहाँ पे 1:30 बजे के आसपास पहुँची और यहाँ पे ना काफ़ी बर्फ है। बाकी ना रास्ते में थोड़ी देर ना रुकती रुकाती आई है तो कोई चक्कर नहीं है। वैसे ना ये 2 घंटे लेती है, बढ़िया 2.5 घंटे में यहाँ पर पहुँची है और ओवरऑल अपना ये जो सफ़र था ना बहुत ही बढ़िया गया बहुत ही बढ़िया गया। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, ये देखो पूरी ट्रेन यहीं पर खाली हो गई है और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है क्योंकि मेरे ख्याल से ना इसी ट्रेन ने इस अब वापस जाना है। बाकी मेरा ना ये वाला सफ़र ट्रेन का बहुत ही बढ़िया गया। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है ना तो फटाफट से ना वीडियो को ना लाइक कर देना और शेयर कर लेना अपने यारों दोस्तों के साथ और इन फ्यूचर प्लान कर लेना कि आपने भी कभी कश्मीर आओगे ना तो इस तरीके से इस तरीके के नज़ारे और ये सब चीज़ें ना। तो अब ये जो गाड़ी है ना ये 3:15 बजे वापस जाएगी श्रीनगर और अभी 1:30 बजे हुए हैं। बाकी ये अपनी गाड़ी थी, अपनी गाड़ी का फ्रंट इंजन है और भाई साहब मेरे को तो इसके अंदर ट्रैवल करके सफ़र करके और रस्ते के नज़ारे लेके ना बहुत मज़ा आया। आपको भी हमारी इस वीडियो के अंदर ना फुल ऑन वाला मज़ा आया होगा है ना जी, आया कि नहीं आया तो बता देना यार क्योंकि ये सब चीज़ें ना लाइफ टाइम के लिए ना एक बार ही होती है, बार बार तो बंदा नहीं कर पाता। यार गाइस ये बनिहाल रेलवे स्टेशन के बाहर का अभी इस टाइम का ऐसा नज़ारा है कुछ, ये देखो यार ओए भाई मेरी फुल ऑन वाली बर्फ़ ही बर्फ़ है हर तरफ और क्या ही नज़ारा है। बाकी ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कुछ गाड़ियाँ श्रीनगर ही जा रही हैं और कुछ गाड़ियाँ जम्मू की तरफ जा रही हैं, कुछ अमृतसर जा रही हैं, अलग अलग जगह जा रही हैं तो जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जा सकता है ना। बाकी मेरे को नहीं जाना, मेरे को तो बस अपना अभी तक ना ब्लॉग यहीं पर ही आके एंड करना था और उसके बाद अभी ना मैंने वापस जाना श्रीनगर। तो ये था हमारा आज का सफ़र, आई होप आपको मज़ा आया।